मेरा नाम मनीषा किशन धिंडे है और मैं आरे की आदिवासी हूँ। मेरा नाम श्याम प्रकाश भोईर है और मैं वहाँ का स्थानिक आदिवासी हूँ और आरे में रहता हूँ। मेरा नाम चैताली शिवा गावित है और मैं आरे सी हूँ। हमारा तो कनेक्शन ही अलग है पेड़ पौधों के साथ ही, मतलब खेलना कूदना सब पेड़ पौधों के साथ ही होता है। आदिवासी पेड़ों को लगाना जानता है, उसको संभालना जानता है और वो ऐसा संभालता है जैसे उनके छोटे बच्चे। प्राउड फील होता है कि मैं जंगल को संभाल कर उनको मैंने बचाया है, नदी को बचाया है, तालाब मैंने अच्छे रखे हैं, पॉल्यूशन नहीं किया है। आरे में जैसे हम पेड़ों को भगवान मानते हैं वैसे ही हम जानवर भी हमारे भगवान हैं। जैसे हमारा भगवान वाघोबा है, हम उनको भी भगवान मानते हैं। नेचर के आगे भी नहीं चलते, नेचर के पीछे भी नहीं, हम नेचर को साथ में लेके चलते हैं। हमारी खेती है जहाँ पे, वहाँ पे हमारी छोटी सी बावड़ी है, वहाँ पे चित्ता आता है और उसके अभी 3 छोटे छोटे पिल्लू छोटे बच्चे हो गए, वो भी देखे हैं। आरे ओपन जू है, सुबह आ जाओगे आपको अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाइज दिख जाएंगे, सब कुछ है आरे में, सिर्फ आपको देखने के लिए आ जाइए फिर सब कुछ दिख जाएगा। चार तारीख को जो हुआ पेड़ काटने का जो चालू हुआ उनका, तभी मैं घर पे थी और 10:30 बजे मुझे पता चला कि वहाँ पे उन्होंने पेड़ काटने को लिए और हम लोग बैठ के मतलब लास्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे एकदम शांति से गाना बोल के। ऐसे पुलिस लोग आ गए और उन लोगों ने बोला कि 5 मिनट दे रहे आप यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद 5 मिनट बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया और हमें सबको मतलब खींच बीच के हम लोग को वैन में डाल दिया बहुत गंदी तरीके से। 6 बजे के बाद लेडीज को अरेस्ट नहीं करते, तभी भी हमको 3 बजे लेके गए थे दहिसर पुलिस स्टेशन। ये जो मेट्रो कार शेड है वो जंगल में ना बनाए, और भी 7 ऑप्शन है जो जहाँ पे पेड़ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ लोग भी नहीं रहते, वहाँ पे खुली जगह है, वहाँ पे उनको बनाना चाहिए। उन्होंने ये पहला निर्णय लिया कि मेट्रो कार शेड का काम रुक जाना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उस आंदोलन में मुझे वो न्याय मिल चुका है क्योंकि मैंने अपने एग्जाम दाव पर लगा दिए थी। सेकेंड स्टेप ये था कि मतलब हमारे 29 जो लोग थे उनके जो कलम वगैरह लगाए थे वो पीछे लेने को बोले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारी अभी ये लग रहा है कि अच्छे दिन आए करके। मेरी माँ भी उनमें शामिल थी 29 लोगों में, क्योंकि और वो धाराएं कोई मतलब की थी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बुरा काम नहीं किया था और वही जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उनका, राइट टू प्रोटेस्ट, यही काम उन्होंने किया था और ये धाराएं हटाई दी गई। तो मैं बहुत खुशी है और आगे भी ऐसे सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वो ऐसे हमारे पक्ष में न्याय हमें मिलेगा। उद्धव जी से विनती करूंगी कि आरे में कोई प्रोजेक्ट ना आए और आरे को जंगल घोषित करें।